नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी टीकमगढ़। टीकमगढ़ नगर परिषद कारी वार्ड नंबर 12 कंचनपुरा गोचर भूमि पर असामाजिक लोग कब्जा किए हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि यह भूमि शासकीय है। इस भूमि पर मित्र पशुओं के लिए आरक्षित की गई थी, जिस पर भूमि पर दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस कब्जे को तत्काल हटाया जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। क्या है नाम आपका? दिनेश तिवारी। कहाँ से आए? नगर परिषद कारी से। क्या समस्या है? नगर परिषद कार्य में वार्ड नंबर 12 कंचनपुरा मोहल्ला है, वहाँ पे कुछ अतिक्रमणधारियों ने जो शासकीय जमीन जनहित के लिए छोड़ी गई है, निस्तारी के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, पशुओं के लिए आरक्षित जमीन थी, खुली जमीन पड़ी हुई थी, उस पर कुछ असामाजिक तत्व कब्जा कर रहे थे। कौन कर रहा है? एक कोई चन्नू घोषी नाम का व्यक्ति है। कोई आपने कहा? हम लोगों ने यहाँ माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर साहब को और तहसीलदार साहब से मिले हैं, उनको ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला? श्रीमान ने कहा है कि हम अतिक्रमण हटवा देंगे और अतिक्रमणधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कब से करें? इन लोगों ने अभी पहले उस व्यक्ति ने करीब 21 साल पहले वहाँ पर छोटी सी दुकान रखी हुई थी, फिर अभी 3-4 दिन पहले उसने वहाँ पर फेंसिंग लगा के। और भाई आपका? जन्मेजय तिवारी। कहाँ से आए? कारी। इस संबंध में ज्ञापन देंगे? हमारे यहाँ वार्ड नंबर 12 नगर परिषद कारी में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिसके उसमें हमारे नगर से लगभग 200-300 लोग आए हैं साथ में। ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, किसी के उस संबंध में आए। कब से कब जाइए? अभी 2-3 दिन पहले फेंसिंग लगाई थी और लगभग 3-4 एकड़ में फेंसिंग कर रहे थे, जो सरकारी जमीन है। क्या चाहते हैं? अतिक्रमण हटाना, हट जाए, अतिक्रमण ना करें। टीकमगढ़ से समय जगत के लिए परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।